Welcome back everyone. In this video, I am going to explain you about atmospheric pressure. ये term atmospheric pressure जो atmosphere में हमारी body के ऊपर जो pressure लगता है और हम कैसे उसको counter करते हैं, कैसे उसको balance करते हैं, इस video में आज मैं आपको पूरा explain कर दूँगी. So let's begin with the first slide. Atmospheric pressure is the weight. ये वो weight है किसका? Air का. हमारे ऊपर ये कैसा weight है? See, for example ये पूरी earth है, ठीक है? और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो हमारे ऊपर इतना एक पोर्शन पूरा एयर का क्या है, प्रेशर है, पूरा एक कॉलम बना हुआ है. बहुत ढेर सारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं तो ये सारी गैसेस हमारे ऊपर क्या कर रही हैं, प्रेशर लगा रही हैं. हम अगर इमेजिन कर लें एयर को एक टिनी इनविजिबल पार्टिकल की तरह जिसका कुछ वेट है, तो ये चारों तरफ से हमें क्या कर रही, प्रेशराइज कर रही है. सारी गैसेस एक ह्यूमन के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं. इसीलिए जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं या हिल स्टेशंस पर जाते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो इतना प्रेशर है, ठीक है, हम यहाँ पर हैं और प्रेशर जो है वो इतना है, इतना एयर कॉलम हमारे ऊपर है. लेकिन जब हम हिल स्टेशन पर आ गए हैं, ऊपर आ गए, तो अब एयर का प्रेशर सिर्फ इतना ही रह गया है, इतना प्रेशर हमने क्या किया, कवरअप कर लिया है. और ऊपर जाएंगे तो प्रेशर एयर का और कम हो जाएगा. तो वही चीज़ ये आपसे कह रहा है कि जब हम माउंटेन पर जाते हैं तो हमें जो प्रेशर फील होता है अपने ऊपर वो कम लगता है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज़, अच्छा इसको मेज़र करने की एक मशीन आती है जिसका नाम है बैरोमीटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो हम मेज़र करते हैं, वी मेज़र इट विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर. ये बहुत पुराने ज़माने की शायद ऐसी होती है, बट अब तो वो और थोड़ा सा कन्फाइंड वे में आने लगी है. नेक्स्ट, दिस प्रेशर एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस. ये जो प्रेशर होता है, जो भी एयर मॉलिक्यूल्स का हमारी बॉडी के ऊपर होता है, वो चारों तरफ होता है. और हमें ये फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी इसकी यूज टू हो चुकी है. और दूसरी बात ये कि हमारी बॉडी भी इसके ऊपर काउंटर फोर्स लगाती ही रहती है. और एक चीज़ आपसे ये कह रहा है कि जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हिल स्टेशंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट पे यहाँ के हिसाब से चेंजेस आने लगते हैं. अब एक तरीके से हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक इनविजिबल ब्लैंकेट है जो कि एयर का है, जिसने हमें चारों तरफ से ढाँक के रखा हुआ है या पकड़ के रखा हुआ है. अब इस डायग्राम के थ्रू आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि अगर हम यहाँ की बात करते हैं इस लेयर की, तो यहाँ पर हमारा प्रेशर बहुत हाई होगा क्योंकि नीचे जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा. ऊपर की तरफ जैसे हम एल्टीट्यूड में जाते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब जब हम हाइट पर बढ़ते हैं, तो जब हम हाइट पर बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है. इसीलिए आपने देखा होगा जो माउंटेन्स वगैरह में जाते हैं उनको नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है. रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी जो प्रेशर लगा रही होती है वो तो उसी हिसाब से लगाती है जैसे हम यहाँ पर थे, लेकिन एयर का प्रेशर कम हो रहा होता है, इसी वजह से जो उनकी नोज़ जो वेसल्स होती है वो जो है उसमें क्रैक आ जाता है, उनमें बस्ट हो जाता है, तो नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है. ये बहुत कॉमन है जो भी माउंटेनियर्स होते हैं. वेन यू गो अप, जब आप जाते हैं ऊपर यानी कि माउंटेन्स वगैरह में, एयर कम होती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है. और ये वजह क्या होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर कम है. इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, जब हम अंदर जाते हैं पानी के नीचे तो हम पर प्रेशर और ज़्यादा क्या होता है, बढ़ने लगता है. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट ईजी वर्ड्स. And don't forget to subscribe, like and share if you like this video. Thank you.